गुड मॉर्निंग क्लास 5। सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर एंड लेसन हमारा एल्गोरिथम। हम कंटिन्यू करेंगे 6th चैप्टर अपना। तो एल्गोरिथम में अब तक पढ़ चुके हैं कि एल्गोरिथम आपका क्या है। एल्गोरिथम कोई भी काम करने का जो आपका तरीका होता है उसको हम सीक्वेंस करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं, वही हमारा क्या होता है, एल्गोरिथम आपका होता है। ठीक है, तो एल्गोरिथम में हमने कुछ रूल्स यहाँ पे हमने फॉलो कर किए थे, करने हैं हमने। जब भी हम एल्गोरिथम लिखते हैं तो उसको स्टार्ट और बिगिन से हमने लिखना है और उसके सीरियल नंबर आपने ज़रूर लिखने हैं, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से जो उसके सीरियल नंबर्स हैं वो आपने क्या करने हैं, लिखने हैं। और जब भी और आप जो भी एल्गोरिथम लिख रहे हैं, जब भी किसी भी चीज़ का एल्गोरिथम, तो आपने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में उसको लिखना है, कंफ्यूज़ नहीं होना चाहिए, बहुत हार्ड लैंग्वेज में नहीं आपने लिखना है। जब भी आपका एल्गोरिथम ख़त्म हो जाता है तो आपने उसको एंड या फिनिश लिख के आपने उसको क्या करना है, ख़त्म आपने करना है। और क्या नेक्स्ट रूल है, जो भी आप ऑर्डर है यानी कि जो भी आप स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं उसी तरीके से आपने उसको लिखना भी आपने है। तो यहाँ पे हम लैमिनेट का जो एक पहले ही हम इसका क्या कर चुके हैं, ये जो लैमिनेट यहाँ पे प्रोसेस हम कर चुके हैं, हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे आपका क्या है, इस तरीके से ये बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे इस बच्चे को बनाना नहीं आता था तो यहाँ पे इसने पूछ के इस तरीके से लैमिनेट का जो जूस है, नींबू का रस, नींबू का शरबत इस तरीके से बनाया है। ठीक है, अब उसको हम एल्गोरिथम में कैसे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट से हमने क्या करा, लिखना यहाँ पे, तो हमने इस प्रोसीजर को यहाँ पे हमने क्या, इसको हमने प्रैक्टिकली हमने इसको बनाया है। ठीक है, लेमन का शरबत। अब यहाँ पे हम इसका अगर हम एल्गोरिथम लिखना चाहेंगे चाहते हैं तो किस तरीके से हम उसको लिखेंगे, रूल्स हम पढ़ चुके हैं और हमने लिखना कैसे है। तो पहले हमने लिखा इसको स्टार्ट से, हमने क्या करा, स्टार्ट किया। ठीक है, सेकंड स्टेप में हमने लिखा कि टेक हाफ ग्लास ऑफ वाटर, हमने आधा ग्लास पानी का लिया। थर्ड स्टेप हमने लिखा कि पोर 1 स्पून ऑफ शुगर इन इट, एक चम्मच हमने चीनी का उसमें डाल दिया। फोर्थ, स्टेयर द वाटर विद सूप टू डिजॉल्व द शुगर, चम्मच की मदद से हमने उसको शुगर को उसमें क्या कर दिया, घोल दिया। एंड फिफ्थ स्टेप में हमने क्या किया, टेक अ फ्रेश लेमन, हमने कुछ ताजे नींबू हमने लिए। सिक्स में कट द लेमन इंटू 2 halves, और उस लेमन जो हमने लिया है उसको हमने 2 भाग में काटा। एंड उसमें से स्क्यूज 1/2 ऑफ द लाइम इंटू ग्लास, और आधा जो पोर्शन था नींबू का उसको हमने निचोड़ कर ग्लास में निचोड़ा हमने उसका रस को। एंड स्टर द मिक्सर अगेन, दोबारा से हमने उसको क्या करा, मिला दिया अच्छे से मिक्सर को। एंड 9th में क्या किया हमने, स्ट्रेन द लेमनेड इनटू अनदर ग्लास टू रिमूव लेमन सीड, जो हमने जूस बनाया है उसको हमने क्या कर दिया, दूसरे ग्लास में हमने छन्नी की मदद से उसको हमने क्या कर दिया, छान दिया, जिससे कि जो उसके लेमन सीड्स हैं, बीज है, वो क्या हो गए, निकल जाएंगे। और लास्ट में हमारा जहाँ पे काम, जूस हमारा निकल चुका है, तो इसको एंड भी हम लिख के ही एंड करेंगे, यानी कि ई एंड डी एंड लिख सकते हैं, या तो फिनिश भी आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो एल्गोरिथम है इसे आप घर में पढ़ेंगे, इन एल्गोरिथम को आप पढ़ेंगे देखेंगे, एंड पेज नंबर 85 में भी ये आपके एल्गोरिथम है, इन्हें भी आपने करके एक बार देखना है, पढ़ना है इनको अच्छे से। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सो थैंक यू क्लास।